गुड मॉर्निंग जी। वर्षा में आज अपना दूसरा डे है और आज है डेड डे। पहले एक सैंडविच ले लूं, भूख लगी है मेरे को। यहाँ पे कैलेफो सुपर स्टोर है, वहाँ से हम सैंडविच ले लें पहले। चलो आपको प्राइसेस ही पता लग जाएंगे। इसमें से कुछ मिल जाए, पता नहीं क्या है खाने के लिए। आज बंद है सब कुछ, नहीं तो फ्रूट लेंगे। फ्रूट अच्छा बब्बू कोशा, पर हम जाएंगे सैंडविच के साथ। ओह माय गॉड, सैंडविच है ही नहीं। आज है जी इनका डेड डे, एक तरीके का आज इनके मदर के रीति रिवाजों में श्राद्ध कह सकते हैं। तो आज डेड डे में होती है नेशनल हॉलीडे। तो आज मोस्टली 99% दुकानें बंद रहती हैं, रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, सुपरमार्केट्स, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कई बार बंद रहती है, बट आज खुली है। तो खाने की दिक्कत, अभी कन्वीनियंस स्टोर खुले होते हैं। एक सुपरमार्केट होती है, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं। कन्वीनियंस स्टोर ऑलवेज सुपरमार्केट से 30% महंगे होते हैं। जैसे कल मैंने सुपरमार्केट में ये वाली स्प्राइट ली थी, अप्रॉक्सीमेट 3 पॉलिश की, तो अभी मिली है मेरे को 4 पॉलिश की। और साथ में एक फ्रूट लिया और एक चॉकलेट ली, ऐसे करके खाने का गुजारा किया ब्रेकफास्ट का। तो मेरे एक यहाँ पे दोस्त है, उनके साथ मैं सिमिट्री जाऊँगा, मतलब कि यहाँ पे कब्रें होती हैं। तो कैसे ये लोग ओल्ड टाउन का पिछला एरिया जो हमने देखा नहीं था, हम दूसरी तरफ चले गए थे रात को। बेसिकली वर्सा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ओल्ड टाउन एंड न्यू टाउन। तो ये ओल्ड टाउन है जी, इस दुकान पे कैलीग्राफी बड़ी अच्छी हुई है। तो आज हम अपने दोस्त के साथ शायद सिमेट्री जाएंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का मरने के बाद कैसे श्राद्ध करते हैं। एक तरीके का श्राद्ध ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मेरे को तो श्राद्ध समझ ही आता है कि कब्र पे जाके कहते हैं मोमबत्तियाँ फ्लावर वगैरह कुछ करते हैं, प्रेयर वगैरह। वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मौत अभी जीवन का सबसे बड़ा सच है। चलिए जी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शुरू हो गया जी फॉल। ये लोग जापान में, सैन फ्रांसिस्को में, बहुत से देशों में ये लोग फॉल देखने जाते हैं, जब ये दरख्त पूरे येलो और रेड कलर के हो जाते हैं। और सच्ची बात बोलूँ, ये सड़कों पे गिरे हुए येलो कलर के पत्ते ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हम आ गए, जस्ट हमने 1 किलोमीटर वॉक की है, हम पूरा वर्षा से बाहर आ गए। ऐसा लग रहा है जंगल ही जंगल है। ये कोई नेशनल मोनूमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए रेड कलर का कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये वर्षा का फोर्ट है जी, जो 1982 में बना था, बट अब इसके अंदर सारा जो है कमर्शियल है सारा। पुरानी खाली फोर्ट की दीवारें हैं, बाकी इसके अंदर सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। आज बेसिकली खाली है नेशनल हॉलीडे करके, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे पूरा खाली है, गेट पे कोई था नहीं, मैं भी इंटर कर गया, मेरे को पता है नहीं है कि अंदर जाना अलाउ है या नहीं अलाउ है। ये देखिए अंदर पूरा एक तरीके का इन्होंने नई बिल्डिंगें बना दी हैं, बट चारों तरफ से इसकी रेड कलर की पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ईंटों की। अंदर तो सारी कंक्रीट की बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। कमर्शियल ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं। आपको दिखाता हूँ बाहर से इस किले का आउटर गेट। हमारी आज किस्मत अच्छी थी, आपको बताता हूँ, नेशनल हॉलीडे की वजह से आज ये किला बंद था। तो क्या हुआ, मैं गलती से हाईवे वाली साइड चला गया, तो हाईवे वाली साइड पे कोई गार्ड गूड था नहीं, मैं वहाँ से इंटर करके मेन किला क्रॉस करके इस साइड से आ गया। मेन जो एंट्री पॉइंट है ये वाली साइड है, तो हाईवे वाली साइड नहीं है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से ये सारा फोर्ट नज़र आता है, 1834 में बना हुआ काफ़ी खूबसूरत फोर्ट है। है कुछ नहीं अंदर में, बस दीवारें ही दीवारें हैं। अभी हुए हैं जी शाम के 4:30, अंधेरा हो गया पूरा गुप।
ऐसे लग रहा है कि रात के 9-10 बज गए हैं। तो वो फोर्ट के घूम के मैं आ गया था हॉस्टल, थकावट हो गई थी ज़्यादा। कल रात को हम हेलोवीन पार्टी में भी गए थे, वहाँ पे अच्छा खासा डांस किया, तो टांगे हो रही थी दर्द। अभी जा रहा हूँ वो जो सेमेट्री वाला प्लान था ना, सेमेट्री, तो उसके अंदर लोग शाम को जाते हैं, रात को दिए विए जलाने और साथ में फ्लावर वगैरह लेके। तो अभी जा रहा हूँ सेमेट्री, वहाँ पे एक मेरी पॉलिश फ्रेंड आ रही है, वो मेरे को गाइड करेगी। ये है शाम के 4:30 बजे का माहौल इस ब्यूटीफुल पोलैंड कंट्री का। हमें यहाँ से लेनी है बस, तो कुछ 20-22 मिनट की बस है, फिर हमारी थोड़ी सी वॉक है। बड़ी ओल्ड सी सिटी है, वर्सा में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला स्पेंड करने के लिए। दोबारा जब भी टाइम मिलेगा तो पोलैंड स्पेशल आऊँगा, क्योंकि पोलैंड की ना डायरेक्ट फ्लाइट है वर्सा की दिल्ली से, तो उसमें कहीं ना कभी डील मिल जाती, जब अच्छी डील मिली तो पोलैंड स्पेशल खाली पोलैंड घूमने आऊँगा। तो ये ऐसे बड़े कैथेड्रल है जी यहाँ पे, ये भी एक बड़ा प्यारा सा कैथेड्रल है, बट पोलैंड इतना कॉस्टली नहीं है जितना एम्स्टरडेम था ना। पूरे ट्रिप के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा सस्ता जो लगा प्राग लगा, इवन ऑस्ट्रिया भी बहुत महंगा था। ये सोल्जर के बने हुए हैं जी, इतना बुला हो जाए, स्टैचूज बड़े खूबसूरत मेटल के। आप सब लोगों को पता ही होगा कि वो टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड बहुत डिस्ट्रॉय हुआ था, बहुत पोलिश पीपल मरे थे। एक सोल्जर सिमेट्री भी है, हम वहाँ पे भी चलेंगे, आपको दिखाऊंगा सोल्जर सिमेट्री का भी। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, लोगों ने दिए जलाए हैं, वॉर कभी किसी को कुछ देती नहीं है, सिर्फ इंसानियत को डिस्ट्रॉय करती है। लोगों ने यहाँ भी दिए जलाए हैं और ऊपर भी देखिए बड़ी प्यारी प्यारी सी कैंडल जलाई हैं। ऐसी जगह पे आके मन भर जाता है कि क्या मिलता है। दूसरी वर्ल्ड वॉर में अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ लोगों को तड़फा तड़फा के मार देना, कौन सी ताकत है। ये देखिए जी, कैंडल्स हैं, फ्लावर्स रखे हैं, अंदर भी लोगों ने कैंडल्स और फ्लावर लगाए हैं। जैसे अपने श्राद्ध में जो हम हिंदू रिलीजन में मनाया जाता है, क्योंकि सिखों में तो श्राद्ध नहीं होते हैं, आप लोगों को पता ही हो, तो वो कुछ मर्यादा होती है, प्रसाद होता है, तो ऐसे ही इनमें भी एक मर्यादा होती है। जो लोग सिमेट्री पे जाते हैं ना, वो पहले यहाँ से फ्लावर्स लेके जाते हैं, नोट मीन यहाँ से ये फ्लावर की बड़ी सुंदर सुंदर सी दुकानें बनी हैं जो कब्रों के ऊपर फ्लावर रखते हैं जी। अब मेरे को रिस्पेक्टफुल एक शब्द नहीं समझ आ रहा, क्योंकि कब्र शब्द मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। और साथ में ये कैंडल्स, ये जो आंटी के पास पड़ी है लालटेन वाली, ये सब कैंडल लगाते हैं। कई लोग फ्लावर पोट के साथ लेके जाते हैं, गमले भी लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है यहाँ पे फ्लावर्स की, और बस 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, खाली फ्लावर्स हैं और साथ में आप कैंडल बाय कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप लोग इस टाइम पे आ रहे हो, आप किसी की कब्र पे भी चढ़ाना चाहते हो तो आप चढ़ा सकते हो। और टच वुड बताऊं जी, जूम करके, इतनी पॉपुलेशन, इतनी पब्लिक है, हज़ारों की तादाद से लोग आए हुए हैं। कैंडल हम किसकी कब्र पे जलाएंगे, हमें क्या पता। और अच्छी खासी यहाँ पे बंदोबस्त है, पुलिस है साथ में, ये कह लीजिए पूरी सिक्योरिटी दी हुई है। सेंट्रल से सीधी बस आ गई थी यहाँ, बस लेके आ गया था मैं भी। आगे ट्रैफिक रोका हुआ है जी, इससे ट्रैफिक आने नहीं दे रहे,
तो आप आसानी से सड़क क्रॉस कर सको। अब मेरे को पता नहीं जाना कहाँ है। फ्लावर बड़े खूबसूरत है, ये नहीं पता ओरिजिनली है मोस्ट। चर्च में आए हैं जी, प्रेयर हो रही है बट बहुत क्राउड है। इतना ज़्यादा है जैसे अपने दिवाली के टाइम पे मार्केटिंग लगती है ना। ये इस डे को ये बेसिकली क्रिसमस से भी ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। इसको पोलैंड के अंदर ओल्ड सेंट डे भी बोला जाता है। तो खाली डेड डे तो बोला जाता है, ओल्ड सेंट डे भी बोला जाता है इसको। खाली मतलब डेड डे के लिए सेलिब्रेट नहीं करते कि जो होली पीपल गो टू द हेवन, तो उनकी प्रेयर के लिए भी होता है। बट अगर आप यहाँ पे आए हो तो डेफिनेटली आप लोगों को विज़िट करना चाहिए, मतलब कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं किसी पर्सन का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो फिर हम भी चलेंगे अंदर। ये एंट्री है जी। अब लोग देखोगे कितने हैं हैरान। यहाँ भी डोनेशन वाले बहुत खड़े हैं जी। ओनली क्या है जी, आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये जिनके जो भी फैमिली के चहेते हैं बड़े या पुराने, जिनकी कब्रें कईयों की तो बहुत ही पुरानी हैं, उनके ऊपर ये दिए जला देते हैं, साथ में फ्लावर्स रख जाते हैं जिस जिसकी अपनी है। जैसे इन्होंने ऑलरेडी कब्र के ऊपर फ्लावर लगाए हुए हैं, ये जैसे बुक्का रख के, गमला रख के। हम तो बहुत वहम करते हैं ना कि रात को कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। ये बेसिकली सेलिब्रिटी रात को करते हैं। ये देखो कितना अच्छे से सजाया हुआ है। ये पोलैंड की सबसे दूसरी सबसे बड़ी सेमेट्री है जी, बस यही है अंदर देखने लायक। लोग दिए फ्लावर जिस जिसके जो भी पेरेंट्स से है, कोई किसी के जो भी चाहने वाले हैं तो वो सब करते हैं। ये एक चीज समझ नहीं आती, ये करते रात को कैसे, कब्रों पे नाम कैसे पढ़ते हैं। हाउ दे रीड द नेम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड विच वन इज योर फैमिली मेंबर, विच वन इज नॉट। ये किसी स्पेशल ही बंदे की है जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, किसी प्रीमियम की होगी, मंत्री शंत्री की। एक चीज़ यहाँ क्या हम बहुत वियर्ड होती है जी कब्रिस्तान में, जो मेरे को बड़ी अजीब लगती है। आपके औकात के मुताबिक, आपका रुतबे के मुताबिक आपको कब्रिस्तान में जगह दी जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कई जगह कब्रिस्तानों में अपने मरने से पहले लोग जगहें बुक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरी कब्र दफन होगी। ये मेरे को बड़ा वियर्ड लगा था कि मरने के बाद भी अभी ऊंच नीच भेदभाव होता है। ये बस लोग ही लोग हैं। और आपको बताता हूँ जी, मेरे लिए तो अलग ही है। जैसे ये कब्र है, इसके ऊपर तकरीबन 200-250 कैंडल जल रही है। ये साथ में कब्र है, उसके ऊपर एक या दो कैंडल है, और उसके वाली पे भी एक दो कैंडल है। अब इसका रीज़न ये है, इसकी फैमिली बहुत बिग है और इसकी फैमिली इसको रिस्पेक्ट करती है। इसके ऊपर इसने बहुत खूबसूरत सा पेड़ भी लगाया है। एक्चुअली मैं अगर जूम हटाऊंगा तो वो पिक्सल फट जाएंगे, वीडियो अच्छी नहीं आएगी। तो इसकी फैमिली पूरी आई है तो प्रेयर करने, तो इन्होंने देखो दिया भी जलाया हुआ है, यहाँ पे कैंडल्स तो हैं ही हैं, दिए भी जलाए हुए हैं, घी के मोम के दिए भी जलाए हुए हैं। और इसका मतलब मे बी ही इज अ फेमस पर्सन। इसके यहाँ दो कैंडल हैं, पॉइंट ओके पॉइंट ये है कि जी इंसान ने इंसान को इतना बांट दिया है, मरने के बाद भी ये डिवाइडेशन ख़त्म नहीं होती है।
ओके वियर्ड है, हर टॉम के ऊपर, हर कबर के ऊपर कोई ना कोई ऐसी फ़ोटो बनी है। ये बेसिकली जो कबर है, जो बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं या उसके बाद उनकी बॉडी मिलती है, उन सब की याद में बनी हुई है। इसके मतलब एक ही कबर में ये तीन चार बॉडी मतलब दफन कर देते हैं। एक ही फैमिली के लिए एक ही टॉम होती है, उसी के अंदर बार बार नीचे ऊपर दफन कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लॉट ऑफ कैंडल्स हैं, काफ़ी कैंडल्स हैं। आप देखोगे ना, ऐसे हर कबर के ऊपर कुछ ना कुछ निशान बना हुआ है।